सर, श्री गणेश निजी आईटीआई संस्थान की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? श्री गणेश निजी आईटीआई की नौगांव की स्थापना सन 2008 में हुई थी। ये हमारा नौगांव एक रूरल एरिया है, इसमें कोई प्राइवेट संस्थान आईटीआई संस्थान नहीं था। एक तो उद्देश्य ये कि यहाँ पे रूरल एरिया में इसको खोला जाना, दूसरा यहाँ के स्थानीय लोगों को या आसपास के लोगों को इसमें पढ़ाई करके लड़के अपने रोजगार के लिए खड़े कौशल विकास अपना डेवलप करें जो है, उसके उद्देश्य से ये संस्था खोली गई ताकि यहाँ के आसपास के लड़कों को बच्चों को ये ट्रेनिंग लेके इसको परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी में जाएं या प्राइवेट नौकरी में जाएं या खुद अपने खुद के धंधे स्थापित करें, इसके उद्देश्य से जो है ये संस्था खोली गई है। सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अक्सर सार्वजनिक मंच से इस बात का आह्वान करते हैं कि कौशल विकास और उसके साथ साथ युवा स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दें, अपने पैरों पर खड़े हों जिससे रोजगार का सृजन भी हो, तो आपके संस्थान से किस प्रकार से युवाओं का प्लेसमेंट होता है और उसके साथ साथ वो स्किल अर्जित करके हासिल करके किस प्रकार के स्टार्टअप या अपना उद्यम खड़ा कर रहे हैं, कुछ जानकारी दें। देखिए, इस संस्था से पढ़ के छात्र निकलते हैं तो कई जगह अप्लाई करते हैं, कुछ शासकीय जॉब में भी चले जाते हैं, कुछ प्राइवेट में भी चले जाते हैं, ये और कुछ अपना धंधा कर लेते हैं। हमको ये मालूम है कुछ लड़के इस संस्था से निकल के अपने अच्छे धंधे कर रहे हैं जी। अच्छा, इसके अलावा शासन की एक ऐसी भी स्कीम आई थी कि इसमें एडमिशन के लिए हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन में निम्न योग्यता, कम से कम योग्यता हाई स्कूल है इसमें स्टेट में, तो शासन ने ये सोचा है कि ये 2 साल का ट्रेड होने के बाद हाई स्कूल के बाद इसको 12 क्लास की मान्यता दी जाए। इस पे भी शासन की शायद आदेश अभी होने वाले या हो चुके हैं, तो ये मध्यप्रति से स्टेट है, इसने भी इसने घोषित कर दिया है कि बीए बीएससी में डिग्री में आपको इस आईटीआई करने के बाद एडमिशन मिल जाएगा जो है। दूसरा, ये आईटीआई का ट्रेड करने के बाद पॉलिटेक्निक में सेकंड ईयर में एडमिशन होने की प्रक्रिया कई साल पहले शुरू हो चुकी है, उससे भी कई छात्र लाभ ले रहे हैं। आईटीआई किया यहाँ के बाद सीधे वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और पॉलिटेक्निक के बाद उनको जॉब मिल गया तो ठीक है। इवन यहाँ भी देखा है कि हमारे कुछ लड़के पॉलिटेक्निक करने के बाद डिग्री भी कर लिया उन्होंने आईटीआई करने के बाद, तो ये एक आजकल के युवा वर्ग के लिए ये आईटीआई का पास करना एक इतना इसको कहें कि मल्टीपर्पज वो हो गया, इससे आप सीधे इसको पास करने के बाद आपको सीधी नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आगे आप पढ़ाई के लिए फील्ड खुले हैं, खुले हुए हैं आपके लिए, आप चाहे बीए में चले जाओ, बीएससी में चले जाओ, मैंने डिग्री की उसमें चले जाइए, या टेक्निकली में जाना है तो आप पॉलिटेक्निक में जाइए, उस फील्ड में आप चले जाएंगे जो है बढ़ते ही जाएंगे उत्तरोत्तर। तो इस उद्देश्य से हमारे संस्था के कई लड़के इसका लाभ ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर, अपने कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड में आप डिग्री या डिप्लोमा दे रहे हैं? ये सर, हमारे यहाँ केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है जो कि आजकल आईटीआई में इसको कहते हैं क्रीम ट्रेड है। बिल्कुल, फिटर और इलेक्ट्रीशियन दो ही ट्रेड अच्छे हुआ करते हैं, तो आजकल इलेक्ट्रीशियन की डिमांड इतनी है कि उसका कोई सीमा नहीं। आप कुछ भी देखिए, जहाँ भी डिमांड होगी, एक जरा सी कोई फैक्ट्री खोलेगा 10 आदमी की तो उसमें एक इलेक्ट्रीशियन तो जरूर चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की डिमांड इतनी पूरे देश में या विदेश में, जहाँ देखो तहाँ इलेक्ट्रीशियन चाहिए। हर हर घर घर में बिजली है, हर घर घर में जब बिजली है तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? आईटीआई के ही करते हैं है? और आजकल के युग में मैंने मेंटेनेंस या
जमीन वाला आदमी जिसको कहते हैं आईटीआई वाला स्टूडेंट, एक जमीन वाला आदमी है, जमीन वाले की बकत बहुत हद से ज़्यादा है जो आज के समय में। आजकल आपने देखा पूरे देश में जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, छोटा भी थोड़ा भी, जहाँ भी देखो जनरेटर लग रहे हैं, और जनरेटर क्या बल्कि साइलेंट जनरेटर लग रहे हैं। और साइलेंट जनरेटर के लिए साधन की एक ऐसी नीति आ रही है कि उसमें ऑपरेटर के लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इतनी डिमांड है हमारे इस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की कि पूरे देश में वो अगर वो चाहे तो बैठ नहीं सकता, वहाँ खाली घर पे ना बैठ पाएगा, उसको कहीं ना कहीं लग ही जाएगा रोजगार। सर, कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ी हुई ट्रेड की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। तो क्या कंप्यूटर मेंटेनेंस को लेकर भी कोई कोर्स आप भविष्य में फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं? वो कंप्यूटर का ट्रेड जो है अभी यहाँ खोले, जब उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इस संस्था में थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान तो हमारे इस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी दिया जाता है। कुछ एक सब्जेक्ट है उसका, एक चैप्टर है जो उसका, कई चैप्टर हैं वो, उसमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर से ऑनलाइन परीक्षा ही देते हैं लड़के जो है माने, तो कंप्यूटर का ज्ञान तो प्रारंभिक ज्ञान तो पूरा करके ही जाते हैं यहाँ से। सर, एक अहम सवाल ये भी है कि जैसे दिल्ली, नोएडा या मुंबई, उसके अलावा जैसे मंडी दीप है मध्य प्रदेश में, इंदौर, क्या ऐसे औद्योगिक शहरों में जो उद्योग संगठन है या इंडस्ट्रीज हैं, उनसे आप संपर्क साधने की कोई आप चैनल बना रहे हैं जिसके माध्यम से आपके युवा वहाँ भी पहुँचें? देखिए, हम लोग लड़कों को ऐसा प्रोत्साहन करते हैं कहीं वहाँ पी संपर्क जाने के लिए, इंदौर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, नोएडा जाने के लिए, प्रचार प्रसार करते हैं और इसका प्रयास भी करते हैं। अभी हमने कई गुड़गांव से अभी कितने लड़कों को वहाँ से वो आया कि डिमांड आई कि हमको साहब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लड़के चाहिए हैं। हमने अपनी संस्था के उनको सबको नाम दिए, कुछ लड़के वहाँ पे गए भी हैं, वो जा रहे हैं, जाएंगे। और अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, हमारे जो डायरेक्टर हैं संस्था के डॉक्टर राकेश मिश्रा जी जो दिल्ली में हैं, उनने एक वो बना रखा है कि एक कोई बड़ी कंपनी है, जापानी कंपनी है, वो उनको बहुत सारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, तो हम लोग उसके उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। कैंपस एक कैंपस उसको रखने का विचार कर रहे हैं।